आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ, नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। मधुस्थली विद्यापीठ मधुपुर, एडमिशन गोइंग ऑन इन क्लास 11, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल इन क्लास 11 इन 3 स्ट्रीम्स कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। कॉन्टैक्ट 8084272772 9931565416। सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम खराब होने के कारण न्यू संजीवियर्स स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें गुमराह किया गया। उन्होंने यह नहीं बताया कि विद्यालय की संबद्धता सीबीएसई बोर्ड से नहीं है। इधर स्थानीय कुंडू बंगला न्यू संजीवियर्स स्कूल की छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल रीना मोदी और वाइस प्रिंसिपल अरुण मोदी द्वारा सीबीएसई 10वीं की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित कराने के बाद अनियमित ढंग से 40 से 68% तक रिजल्ट घोषित करने की शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ भुवानिया से किया है। छात्र छात्राओं ने अनुमंडल पदाधिकारी से कहा है कि हम लोगों का पिछले वर्ग का रिजल्ट 80 से 95% तक रहा। इस संबंध में विद्यालय के प्रबंधक से मिलकर कारण जानना चाहे तो बताया गया कि यह रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का है। रजिस्ट्रेशन सोलम स्कूल से कराया गया और वहीं से परीक्षा के लिए आगे की प्रक्रिया की गई थी। विद्यालय द्वारा कोई भी जवाबदेही से इनकार कर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में सुधार कराने की मांग की है। अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ भुवानिया ने छात्र छात्राओं को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं। लिखा हुआ था 40, 30 और 10 का क्रिटेरिया। और सब स्कूल में कैसे तो सारा क्लास 10 से ही था, क्लास 9 से भी कोई संबंध नहीं था। आपका जब बच्चा कमी था जिसमें हम लोग पैसा पेमेंट करने आते थे, उसमें हमको बोल सकते थे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार रवानी ने गुरुवार को बुढ़ाई थाना कार्यालय कक्ष में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस दौरान मधुपुर मार्गो मुंडा करौम पाथरौल बुढ़ाई एवं महिला थाना में दर्ज विभिन्न मामलों का विस्तार पूर्वक अवलोकन किए। साथ ही पिछले माह घटी घटना व दर्ज मामलों का समीक्षा किए। उन्होंने लंबित मामलों का तुरंत निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही पिछले माह घटी घटनाओं का उद्भेदन करने का कहा। क्षेत्र में अपराध अंकुश लगाने को लेकर पुलिस गश्ती तेज करने को कहा। वांछित अपराधियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही अवैध बालू, कोयला, पत्थर, लकड़ी, जुआ, शराब को अवैध रूप से तस्करी करने वाले कारोबारियों पर रोक लगाने को कहा। इसके अलावे उन्होंने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाकर बिना नंबर वाले बाइक को पकड़ने की बात कही। वाहनों की डिक्की जाँच करने को कहा। मौके पर अंचल पुलिस निरीक्षक रामदयाल मुंडा, मधुपुर पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक, बुढ़ई थाना प्रभारी जिशान अख्तर, मार्गोमुंडा थाना प्रभारी सुमित लाकड़ा, करो थाना प्रभारी शाहवीर उराव, पाथरुल थाना प्रभारी मनीष कुमार, महिला थाना प्रभारी रेणु कुमारी आदि मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेल प्रशासन रेलखंड में सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है। गुरुवार को वल सुरक्षा आयुक्त आसनसोल के निर्देश पर मधुपुर आरपीएफ जीआरपी व आरपीएफ आसनसोल के स्वान दस्ता की टीम संयुक्त रूप से मधुपुर स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाई। इस दौरान स्वान दस्ता की टीम ने रेलवे मधुपुर स्टेशन के पार्सल कार्यालय, बुकिंग कार्यालय, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, रेलवे परिसर, कार पार्किंग, स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म समेत ट्रेन में आवाजाही व रेल यात्रियों की आवाजाही करने वाले बैग व लावारिस व बुकिंग सामान की जाँच की। इसके अलावा रेलवे यार्ड में रेल पटरी और ट्रेन के नीचे स्वान दस्ता की टीम ने जाँच किया। जांच के दौरान किसी प्रकार का संदेहास्पद या आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, परंतु आरपीएफ ने रेल यात्रियों को सजग रहने को कहा।
कहा कि किसी भी लावारिस वस्तु पर नजर पड़े तो उसे स्वयं हाथ से उठाने की जरूरत नहीं है, इसकी सूचना आरपीएफ को या जीआरपी को तुरंत दें। साथ ही संदिग्ध व्यक्ति पर नजर आरपीएफ की पैनी नजर रख रही है। स्टेशन परिसर में सुरक्षा को लेकर आरपीएफ व जीआरपी सतर्क रहे। मौके पर आरपीएफ इंस्पेक्टर इंचार्ज एके सरकार, जीआरपी थाना प्रभारी हरिराम दुबे, स्वान दस्ता के अधिकारी डीसी मेहता व डीबी मेहता के एएसआई रंजीत कुमार पांडे, जवान एस बिहारी दिगंबर सिंह, उमेश सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। रामचंद्र बाजार में लायंस क्लब मधुपुर द्वारा आम लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्याऊ का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़े। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस संबंध में क्लब के उपाध्यक्ष उदय मारोदिया ने बताया कि क्लब के अध्यक्ष विमल टेकरीवाल के प्रयास से संभव हो पाया है, जल्द ही उद्घाटन कर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कहना है कि भाई पानी की किल्लत तो सारे शहर में है, और बहुत हम लोग कोशिश किए हद तक, लायंस क्लब ने बहुत बड़ी बिल्डिंग उठाई है कि एक जर्जर कुआं यहाँ पड़ा हुआ था इलाहाबाद बैंक के पास रामचंद्र बाजार में, उसको बहुत तरीके से जेट पंप लगा करके, बोरिंग करा करके और सारा कुएं पर इन्वर्टर लगा करके 24 घंटा पानी की व्यवस्था की जाए, और काम युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और काम हो गया है कई हद तक, का जरा सा काम बचा हुआ, हम जितना जल्दी इसको उद्घाटन किया डेट निर्धारित करेंगे। और जहाँ तक सवाल है, अब लोगों में एक आशा जग गई है कि अब पानी के लिए हमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हमें 6 नल लगाई है, 3 नल अलग से लगाई है, 3 नल अलग से लगाई है, और अब लोगों को किसी तरह का भी मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा जब हमें पानी पीने के लिए उसके पास जाना है, बेसलरी पानी लेना है, प्योर बोरिंग का पानी मिलेगा, लोगों को शुद्ध जल मिलेगा। और सब लोगों में एक आशा उम्मीद जगी है, आज ही हम लोग इसका एक शटर उठा करके किए हैं, तब से लोगों का पानी लेने के लिए ताता लगा हुआ है, लोग पानी पी रहे हैं और दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। और हम लोग और लायंस क्लब ने ये जो किया है बहुत अच्छा काम किया है, और हाँ बहुत जल्दी हम लोग इसका उद्घाटन कर देंगे और लोगों के बीच एक अच्छी सौगात हम लोग देने जा रहे हैं। आगे और भी समाज के लिए ऐसा कोई काम हुआ तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ के करेंगे। जो ये बीड़ा उठाया है, ये मधुपुर के टेकरीवाल परिवार है हमारे मधुपुर के, जो हमेशा सोशल वर्क में रहे हैं, लेकिन बंद विडम्बना ये है कि ये कहीं भी सोशल वर्क करते हैं, कहीं भी अपनी छवि, अपना फोटो, अपना प्रचार के लिए मने दूर रखते हैं कि लोग दिखावा नहीं करते हैं, ये अपना दिली दिमाग से अपना सेवा करते हैं। अब जो शुक्रवार को रोटियां बांटना है, बिस्कुट है, चॉकलेट है, पावरोटी है, ये हर शुक्रवार को 25 की मधुपुर में ये कुआं जो है जर्जर पड़ा था, इसको बढ़िया से बना करके लोगों को पेयजल की व्यवस्था की है। इसके लिए हम देखने वाले परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के ज्ञापन है ये, धन्यवाद, थैंक यू, जय झारखंड।